करना और सिलिकोसिस पीड़ित को कोरोना की वजह से नहीं मिल रहा है उपचार, किया ढाणीवासियों ने प्रदर्शन। महंगे दामों पर ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने को मजबूर। कोरोना महामारी के चलते करना और ग्राम पंचायत के राजवासिया की ढाणी में एक सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित को 15 दिन से अस्पतालों में उपचार नहीं मिल रहा है। इससे परेशान लोगों ने प्रदर्शन कर रोष जताया। ग्रामीणों ने बताया कि मांगीलाल सैनी सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित है, 15 दिन से गंभीर बीमार चल रहा है, लेकिन किसी भी अस्पताल में कोरोना के चलते भर्ती नहीं किया जा रहा है। नरेश सैनी ने बताया कि मेरे पिताजी की गंभीर बीमारी है, जिसको अलवर से जयपुर तक अस्पतालों में दिखाया, परंतु किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया। पिताजी को सांस लेने में तकलीफ होने के बावजूद घर पर दवा व ऑक्सीजन महंगे दामों पर लाकर उपचार करने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इससे गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोई भर्ती नहीं ले रहा, दोसा बांधी कोई सटेटा डोला या कोई भर्ती नहीं ले रहा, दोसा बांधी कोई सटेटा डोला या कोई भर्ती नहीं ले रहा। तो अब आपने क्या कर रखा है? गैस सिलेंडर ला रहे हैं, नहीं लगा रहे, कोई भर्ती नहीं ले रहा। गैस सिलेंडर ला रहे हैं, नहीं लगा रहे, कोई भर्ती नहीं ले रहा। इस बार मैं ले जाता और घर ले जाओ आप उल्टा ही। आपका नाम? बसंती। कोई इलाज नहीं दे रहा है, भर्ती नहीं करता है। भर्ती नहीं कर रहा? क्या बीमारी है? बीमारी सिलिकोसिस। सिलिकोसिस की बीमारी है। आप कौन कौन से हॉस्पिटल में जाके आए? अलोर भी ले गए थे, जयपुर भी ले गए थे, बांदीकुई दौसा, बांदीकुई दौसा, सब जगह इलाज कराया। अच्छा, अब आपको कोई भर्ती नहीं कर रहा है? क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपका नाम? छगनलाल सैनी।